हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एंड्रॉयड गेम्स में। जैसे कि आप सब लोग सभी जानते हैं, क्या लास्ट मेरा वीडियो GTA San Andreas मैंने इंस्टॉल या अपलोड किया था और आपको बताया था किस तरह इसको इंस्टॉल करना है। आज मैं उसी गेम की चीट बताने जा रहा हूँ कि उस गेम में चीट एक्टिवेट किस तरह की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो स्टार्ट से पूरा आखिर तक के देखिए तो ही आपके समझ में आएगा, नहीं तो सेटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको मैं बता देता हूँ किस कौन कौन सा अपने को ऐप आप लोग को ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो है CLEO गोल्ड, एक ये ऐप डाउनलोड करना होगा आपको। और दूसरा एक है GTA SA चीट। ये दोनों भी इसका दोनों का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप उस लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और उसको डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है ये गोल्ड सॉफ्टवेयर में, CLEO गोल्ड में, इस पर क्लिक करके देखिए इसको राइट क्लिक, यहाँ से इसको थोड़ा स्वेप करना है, फिर आपको डायरेक्ट SA पे जाना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल होते से तो फिर तीसरा ऑप्शन है नीचे इंस्टॉल स्क्रिप्ट्स, इसके तरह क्लिक करके आपको ये सभी को इंस्टॉल करना है। अब आपको बैक आ जाना है और अपना GTA गेम स्टार्ट करना है। देखिए अब ये गेम स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ तो सबसे पहले गाइस इस गेम को पहले कई आपको सेव करना होगा उस टाइम पे। आपको ऐसी कैसेट में जाके कहीं भी आपको ये फ्लॉपी जो डिस्क दिख रही है इसमें जाके आपको पहले गेम को सेव करना होगा। ये फर्स्ट पे देखिए हमने फर्स्ट पे इसको सेव कर दिए, उसके बाद में आपको इसको मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करके आपको GTA चीट के ऊपर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर ये वाइट सिंबल है, इसको स्काइप करना है और गेम फर्स्ट जो दिख रहा है CO1 गेम फर्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। ऐसा लोडिंग होगा थोड़ी टाइम के लिए, फिर आपको ये सब बॉक्सेस पे क्लिक करना है। देखिए फर्स्ट है इन्फिनिटी हेल्थ, इन्फिनिटी आर्मर, मैक्स मनी, इन्फिनिटी स्प्राइन, नेवर वांटेड। अगर नेवर वांटेड आप क्लिक करते हो तो आपको पुलिस वगैरह जो लगती है वो पीछे नहीं लगेंगी। उसके बाद में आपको ये जो चार पांच ऑप्शन दिए जैसे रिस्पेक्ट वगैरह, जो ग्रुप में गैंग का रहता है इसको कर दीजिए ओके। उसके बाद में वेपन जो गन वगैरह जो रहती है उसमें, तो आप इस ये चारों पे अलग अलग गन होते हैं इसमें से आप जो एक सिलेक्ट करना है तो पूरा सेट आ जाता है। उसके बाद में पैराशूट, और देखिए इसमें इसको फिर गाड़ी वगैरह चाहिए तो इसके अंदर आपको गाड़ी सिलेक्ट कर सकते हो बफेलो। इसको सेव कर दीजिए। अब आप वापस से इसके गेम पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको इसको स्टार्ट करने के लिए न्यू गेम करना होगा। उस न्यू गेम के बाद में इसको लोड गेम पे क्लिक करके जो हमने फर्स्ट में जो लो सेव किए थे उसको लोड करना होगा। तो देखिए दोस्तों ये अब हम यहाँ देख सकते हैं किस तरह वेपन वगैरह चेंज हो रहा है। देखिए
हम लोग के पास में गन आ गए हैं। और इसके अलावा अगर आपको और कुछ चाहिए तो उसको आप दोनों अंगूठे से, दोनों जो थंब थे उसको स्क्रीन पे स्वाइप करना होगा तो आपको ऐसी लीज खुलाई देंगी, जैसे फ्लाइंग वगैरह, तो ये ऑटोमेटिक फ्लाइंग करने फ्लाइंग करता है। अगर आपको गाड़ी वगैरह चाहिए तो गाड़ी वगैरह के लिए देखिए, वापस एक बार स्वाइप करेंगे उस ये ऊपर साइड में आप किस पर जाके इसको क्लिक करेंगे, गाड़ी फिर आ जाती है। फिर आपको जो गाड़ी चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, प्लेन चाहिए, जो भी चाहिए उस पर करके एक बार गाड़ी के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो गाड़ी आ जाएंगी फिर आपकी। उसके बाद में देखिए अगर आपको और कुछ चाहिए, जैसे जैक 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 पॉट आता है जो आप उसको भी आप चीट के थ्रू ले सकते हो। देखिए इसके तो जैसे आप देख सकते हैं चीट के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद में पूरी लिस्ट खुल जाती है। ये जेट पैड जो मेरा बहुत ही फेवरेट है जैक पैड, आप यूज़ कर सकते हो उसके अंदर और इससे मिशन कर सकते हो। और इसमें चीट कोड एक्टिवेट करे बाद आपके मिशन भी इजी हो जाते हैं। तो देख आप लोगों ने सभी ने देखा किस तरह चीट एक्टिवेट करवा सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए स्पाइडरमैन अमेजिंग स्पाइडरमैन अपलोड करूँगा। ओके सर, थैंक यू।